गाइस वेलकम टू मौसमी किचन। मौसमी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं पटेटो नगेट्स बनाऊंगी, लेकिन कुछ अलग टेस्ट देने के लिए पनीर मिक्स करूंगी। तो नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आलू पनीर के नगेट्स को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज़ की आलू को उबाल कर ले ली है। अब एक मैशर से इन्हें मैश कर लेनी है। आपके पास अगर मैशर ना हो तो आप हाथों से मैश कर सकते हैं या ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने तो बस थोड़ी जल्दी हो इसीलिए हैंड मैशर ली है, नहीं तो हाथों से भी अच्छी महीन हो जाती है। तो बस अब ये अच्छी तरह से महीन हो गई है। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम पनीर को ग्रेट कर ली थी, तो इसे भी दे दूंगी। अब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी। अब 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डालूंगी। 1 टीस्पून के करीब चिल्ली फ्लेक्स को छिड़क दूंगी। यहाँ पर मैंने कैच की चाट मसाला पाउडर ली है, तो इसे भी 1 टीस्पून दे दूंगी। 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। अब हाथों से अच्छे से मिक्स कर ले। हाथों से मिक्स करने पर हाथों की प्यार टेस्ट में आ जाती है और सारे मसाले अच्छे से मिल भी जाते हैं। मैं तो इसे सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए मसाले और नहीं डाले। आप चाहें तो और मसाले भी ऐड कर सकती हैं। तो बस मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर ली है, एक डो की तरह लग रही है ये। अब हाथों में थोड़े मिश्रण को लें और बॉल बनाएं, फिर चपटा करें और फिर उंगलियों से स्क्वायर शेप दे। ये देखिए इसी तरह से करें तो एक पीस रेडी है हमारी। अब फिर से पहले की तरह ही सारे नगेट्स के पीसेस को बना लें। ये तो बहुत ही आसान डिश है जो जल्द बन जाती है। आलू और पनीर इसे सॉफ्ट करेगी, ब्रेड क्रम्स क्रिस्पीनेस देगी। मैं तो इसे हमेशा ही बनाती हूँ, कोई आए तब भी या चाय के साथ भी हम इसे लेते हैं। बस आलू उबले हों और ब्रेड क्रम्स स्टोर रहे तो जब मन चाहे बनाएं और खाएं। तो ये देखिए मैंने सारे नगेट के पीसेस को बना ली हैं। अब मिश्रण वाले बॉल में आधी कप मैदा लूंगी, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालूंगी, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। अब थोड़ा पानी डालें और एक पतली बैटर बना लें। अच्छे से मिक्स करें ताकि कोई लम्स ना रहें। काली मिर्च की वजह से बैटर थोड़ी काली लग रही है। तो बस हमारी बैटर रेडी है। यहाँ पर मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स ले ली हैं। अब एक बनाए हुए पीस को घोल में डुबो लें, एक फॉक से अच्छी तरह डिप कर लें। अब ब्रेड क्रम्स के ऊपर लें और चारों तरफ से कोट कर लें, ये देखिए इसी तरह से, ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक जाएं। अब इसी तरह से सारे पीसेस को एक एक करके डुबोकर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दी है। अब डीप फ्राई के लिए तेल डालनी है। तेल गर्म हो चुकी है तो अब एक एक करके सारे कोटेड नगेट्स को दे देनी है। फ्लेम को धीमी रखें, नहीं तो डालने पर ही नगेट्स जल जाएंगी। अब धीरे से पलट दें और गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें। मैंने तो इनकी साइज स्क्वायर रखी है, आप गोल ओवल जैसी भी शेप दे सकती हैं। इनकी कलर देखिए थोड़ी चेंज हो गई है। बस और 5 मिनट इनको पका लें लो फ्लेम पर। 5 मिनट बाद ये देखिए ये कुक हो चुकी हैं, अच्छी करारी भी बनी हैं ये। तो अब इन्हें नीचे उतार लें। अब बाकी बचे कोटेड नगेट्स को एक एक करके इसी तेल में दे दें। फ्लेम को धीमी रखकर ही पकानी है हमें। 2 मिनट बाद हिला लें। अब 5 से 7 मिनट तक इन्हें पहले की तरह ही पकने दें। तो बस अब ये भी कुक्ड हैं, तो इन्हें भी नीचे उतार लें। बढ़िया कलर आई है इनकी देखिए। मैंने सारे नगेट्स को सर्व कर दी हैं एक प्लेट पर।
ये देखिए कितनी शानदार लग रही है, एकदम क्रिस्पी बनी है। एक को तोड़कर दिखाती हूँ आपको, बाहर से करारी और अंदर से सॉफ्ट हैं, तो बस अब खाने की जल्दी है। तो आप भी मेरी तरह से कम इंग्रेडिएंट्स में पोटैटो नगेट्स को बनाएं और सभी को खिलाएं। तो मेरी ये आसान तरीके से बनी पोटैटो नगेट्स आपको कैसी लगी अपने व्यूज कमेंट कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। नई इजी और हेल्दी रेसिपीज लेकर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।